आज के दिन आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान के लिए निमंत्रित करते हैं। सब शिल्पा राहुल शाह, इनका जन्मदिन है, गुप्त दान के रूप में उनकी राशि है। विजय कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी बड़जात्या धुलियाना निवासी, इन्होंने आज के दिन छत्र चवर भामंडल के लिए 55,555 की दान स्वीकृति दी है। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के शास्त्र दान करेंगे। शिल्पा जी शाह ये भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। स्नेहलता जैन, स्वर्गीय राजेंद्र जी जैन, उनके स्मृति में उनके पुत्र विकास, निकिता, अंकिता जैन, इन्होंने आज के दिन 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी, भगवान जी की प्रतिमा विराजमान करने के लिए स्वीकृति दी है। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। स्वर्गीय मांगीलाल जी, सुरेश कुमार जी, महेश कुमार जी, नरेश कुमार जी एवं समस्त चिड़ीवाल परिवार ध्रुवरी आसाम निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दी है। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। सिद्धार्थ जैन, हेमंत जी जैन, आर्ष, अनंत, ईर्षा, सुहास, सुनीता, उड़ीसा, पुणे सागर, इन्होंने भी छत्र चमर भामंडल के लिए यहाँ 55,555 की दान स्वीकृति दी है। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र रेली पटनागंज से यहाँ कमिटी आई है। कमिटी के केवल एक प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य भगवान जी को यहाँ चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बाकी के लोग अपने अपने स्थान पर रह करके वहीं से नमस्तु प्रेषित करेंगे। बिना बारा क्षेत्र कमेटी के भी लोग वहां है, उनके भी एक प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बाकी के लोग अपने स्थान से। महाराजपुर से भी यहाँ श्रावकगण आए, उनके भी एक प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बाकी के सभी लोग अपने अपने स्थान से यहाँ नमस्तु प्रेषित करेंगे। हैदराबाद से अनिल पाटोदी, सुमेर जी पांड्या, अनिल जी पहाड़े आए, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चलिए रांझी से यहाँ परम पूज मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी विराजमान है। रांझी से श्रावक लोग आए, उनकी भावना है पंच कल्याणी के हेतु वे आए, पंच कल्याणी के लिए आशीर्वाद लेने के लिए। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। रांझी जैन समाज अभी पूजन प्रारंभ करें। आज पूजन के लिए परवारपुरा से अखिल भारत वर्षी दिगंबर जैन महिला परिषद नागपुर परवारपुरा से आई है, वो द्रव्य अर्पण करेंगे और रेली पटनागंज के लोग पूजन गान करेंगे। सभी लोगों से निवेदन है केवल दो दो लोगों को बुलाए। कहाँ है वो चिट्ठी? नहीं आई, मेरे पास आई नहीं चिट्ठी। अभी सभी लोगों को नहीं आना है, ये सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ करके, हमने एक एक लोगों को प्रतिनिधि को बुलाया था। 3,100 का नाम नहीं लेते हम। सभी लोग अपने स्थान पर बैठेंगे, पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। मुनिश्री निर्मोह सागर जी के गृहस्थ जीवन के परिवार के लोग भी आए, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को चरणों में श्रीफल अर्पण करेंगे। मुनिश्री निर्मोह सागर महाराज जी के गृहस्थ जीवन के परिवार। ए माइक लाइक था, पूजन प्रारंभ करिए। ए माइक लो, पूजन प्रारंभ करो। बोली अटिसाईकारी पटनागंज के बड़े बाबा की। आचार्य गुरु भाई श्री विद्यासागर महामुनि राय जी की। शुरू कर रहे, ए पूजन शुरू करो। आचार्य श्री जी, आचार्य श्री जी के चरणों में हम, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। संगम का बहसुदा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रीम चौतसाचार, ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिन्द्र अत्र अवतर सवष्टिति आह्वाननम्।
अत्रतिष्ठतिष्ठोटस्थापनम् आत्रम सन्निधोट स्थापनम सनदीकरणम। पूजन वाले बैठ के करेंगे, मैं पढ़कर मैं अपने को भरमाए इस राग द्वेष की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। ज्ञान से भव काल सुधोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्या सागर जी महामनिन्द्राय जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतल तापाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्या सागर जी महामनिन्द्राय संसार ताप नाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, चैनिधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षय अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्या सागर जी महामनिन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा किए जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काव विध्वंस है तुमन सुमन चढ़ाने आया हूँ, मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्या सागर जी महामनिन्द्राय काम बाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। क्षुदा रोग की विता कटा भव भव मैं कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्या सागर जी महामनिन्द्राय क्षुदा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्या सागर जी महामनिन्द्राय अंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक मैं माना, बस काप कर्म पुण्य कर्म कर्म को चाहे रहा अपना नाटा। शुभ अशुभ कर्म विपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए तब गुरु चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्या सागर जी महामनिन्द्राय अष्ट कर्म दोनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, श्राद्ध और साधकता अंतर मैंने आज मिटा लाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह पल पाना है, पाना था जिसके द्वारा भय मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्या सागर जी महामनिन्द्राय मा मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं इस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्या सागर जी महामनिन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वा। लास्ट के चार लाइन, भावों की निर्मल सरिता, भावों की निर्मल सरिता में अब गान करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द अर्घ बैठने आया हूँ। हे तपोमूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत, हे अरुण कामना देख सके योग युग तक आगामी वसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्या सागर जी महामनिन्द्राय अनर्घ प्राप्त जय माला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की,
आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य संत शरमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। अपने यहां दुर्ध्यान कई प्रकार के बते आए गए। जिससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो, उल्टा और हानि हो, उससे बचना सामान्य सभी मनुष्यों के लिए अनिवार्य है। और उसका नाम उन्होंने अनर्थ दंड, उससे विरति कहा। अनर्थ का अर्थ होता न अर्थ यस्मिन यस्तेवा, उससे कोई भी अपने जीवन में प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। कोई भी काम करें उसका प्रयोजन तो शुद्ध होना चाहिए। यदि प्रयोजन शुद्ध न हो करके और हानि बल्कि ज़्यादा हो जाती है तो उससे और जल्दी दूरी बना लेना चाहिए। एक लेख पढ़ा था और एक व्यक्तियों से सुना भी था। विश्व के सबसे धनाढ्य इस मोबाइल के या और कंप्यूटर इत्यादि के वो कंपनी चलाते हैं। अमेरिका के वह नागरिक माने जाते हैं। ये जो चलाते थे कंपनी इत्यादि तो उन्होंने अपने जीवन काल में उसका प्रयोग ही नहीं किया। जैसे मोबाइल है, मोबाइल से कभी उपयोग ही नहीं करते थे। और अपने बच्चों को भी कहा था कि इसका उपयोग नहीं करना। हाँ, 15 साल के बच्चों तक। आज हम देखते हैं इसका उपयोग क्या है क्या नहीं है। व्यापार के क्षेत्र में आप इसका मान लो कथनचित उपयोग करते हैं तो आप करें। बच्चे जो अभी होनहार है, अभी उन्हें पढ़ना है, सीखना है, समझना है और आवश्यक क्या है, अनावश्यक क्या है, जीवनोपयोगी क्या है, जीवन में हानि लाने वाले क्या है, इससे बचना चाहिए उनको। वे भी रात दिन अपने हाथ में अपने गले में लटकाए फिरते हैं बच्चे। भोजन और ये आदि आदि में फर्क पड़ता नहीं, कुछ नहीं उनको आता है। और उसके साथ साथ वह बहुत विद्युत क्रम से काम होता है, सामान्य उसमें सेल्स वगैरह नहीं डाले जाते हैं। और उनके प्रभाव आँखों के ऊपर पड़ते हैं। आँखें भी आज कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। कोई विशेष काम भी नहीं किया और आज से ये कमजोरियां हो रही हैं। नंबर बढ़ रहे हैं, अध्ययन के नंबर कम बढ़ रहे हैं और आंखों के नंबर प्रतिवर्ष बढ़त क्रम से चल रहे हैं। सोचो, विचार करो। इससे वह ये सब हानि समझता था, वह कंपनी का मालिक, इसलिए अपने बच्चों को तो उन्होंने मना कर दिया। बच्चे भी उनकी आज्ञा में थे, मान लिए, क्योंकि उम्र रहती है, उस उम्र तक ही काम करते। सिंह व्याघ्र आदि पशु पक्षी भी अपने बच्चों को इस प्रकार के हानियों से बचाते हैं।
वो 6 महीने तक अपने दूध के अलावा और कोई भी चीजें नहीं खिलाते नहीं पिलाते। हाँ, तभी वह छोटा सा जो शेर का शावक है, व्याघ्र के बच्चा है, वो 6 महीने के उपरांत उनका प्रारंभ करते हैं क्या देना, कैसे देना, कितना देना ये। किंतु आज बच्चों के लिए ऐसे ऐसे जीवन चीज़ों का सेवन करा रहे हैं आप लोग, वह आप लोगों के लिए एक अभिशाप है और उनके लिए तो जीवन में क्या होने वाला पता नहीं। इस प्रकार कुछ घटना सुनते हैं, माँ या पिताजी से मांगा ये, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, अपने बच्चा बेटा आप लोगों को अभी नहीं लेना चाहिए। क्या भयानक ये लोग सुना रहे हैं, सुन करके ऐसा लगता है कि क्या समाज कर रही है, किस ओर समाज जा रही है। पैसा आता है और जाता है तो जाना उसका स्वभाव है, लेकिन इस प्रकार के कार्यों में जाना, वह बच्चे माता पिताओं के प्रति भी क्रूर प्रयोग कर रहे हैं। हमारी पूर्ति क्यों नहीं हुई, अब बताओ। आप ही लोगों ने उनको समझाया, ये इसको ये करा करो, ये करा करो, ये करा करो, अब करता है तो अब मना कर रहे हैं आप। उसके प्रयोग ऐसे हो रहे हैं, माता पिताओं के लिए भी वहाँ छोड़ नहीं रहे। अपने जीवन में वो क्या करेंगे हमें समझ में नहीं आता। अब महाराज अब हम क्या करें, आप इसको समझाओ। हाँ, आपका कर्तव्य था समझा करके करते। जब नामकरण करते हैं, भगवान के दर्शन कराते हैं 30-40 दिन के बाद, ये सब आप लोगों को करना आवश्यक था। संस्कार का नाम आज समाप्त हो रहा है संसार से। हर देश में हर क्षेत्र में ये सब होते हैं, लेकिन भारत में भी होता है। एक बहुत सिरदर्द का काम करता, भारत भी एक ऐसा देश है इन सबसे बचता है। घी की कोई चीज नहीं देते दूध के समय पर। अब समझ में आता है इन लोगों की दृष्टि कितनी ये थी, गर्भ में तो पाला, बाद में भी जब तक उनकी काया योग्य विकास को प्राप्त नहीं होता तब तक वही चीज उन्हें दी जाती है जो इसके लिए उपयोगी होते हैं। क्योंकि घी का समय है ही नहीं, और घी यदि घी के चीज़ें आप बिस्किट्स वगैरह बनते हैं और सोयाबीन के भी बिस्किट बनते हैं, जो क्या बताएं, जानवरों के खाद्य है वो। सोयाबीन मनुष्य का है, बीज ले है ही नहीं, लेकिन आज उसी का घी कहते हैं। कहाँ से आया घी उसमें, हाँ डाल में तो क्या डाला है पता ही नहीं। वो यदि खाएंगे लीवर की बीमारी हुए बिना रहेगी ही नहीं। मैदा के चीज़ें बिस्किट में आ जाते हैं, वह उसको आंतों के ऊपर प्रभाव डालेंगे, उसके परिणाम गलत निकलेंगे। चीज़ों से बनते हैं, क्या क्या डलता है तो या तो सर्वज्ञ प्रभाव जानते हैं और कोई नहीं जानेगा। जब उसके प्रभाव पड़ेंगे आँखों के ऊपर, दांतों के ऊपर, आंतों के ऊपर, इस प्रकार दुष्प्रभाव पड़ते जा रहे हैं और बच्चे बिल्कुल एक प्रकार से अस्वस्थ रहने लगे रहते जाएंगे। भयानक रोग हो रहे हैं। हृदय के छेद वाले आम तौर पर आज सुनते हैं, ये छेद है हमारा, जिसके छेद है ऑपरेशन करना है।
तुम ये इस प्रकार की वस्तुओं को सेवन कराओ जिसके द्वारा वह अपने आप ही छेद भरता हुआ चला जाएगा, लेकिन हमारे पास ऐसे कोई उपयोग है ही नहीं। कौन सी चीज़ का सेवन करना या कराना, और ये वर्तमान के जमाने में तो जो पेठी चल रही है बहुत भयानक कार्य उसके निकल रहे हैं। लाखों व्यक्ति इससे ग्रसित होते चले जा रहे हैं, उसके लिए कोई दवाई वगैरह नहीं मिलती। अब मनुष्य जीवन का महत्व यदि आप लोगों ने नहीं समझा, उसकी दुर्लभता के बारे में शास्त्रों में जो लिखे गए हैं उसको यदि नहीं पढ़ते तो ये आम तौर से सामान्य वस्तु हो जाएगी। इसके द्वारा ऐसे कुछ संस्कार डालेंगे तो बहुत बड़ा स्व का और पर का कल्याण कर सकता है। लेकिन सकने के बाद सुन करके आपको आश्चर्य होगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, उसको यदि उपयोगी बनाना चाहते हो ये चाहिए। इसी प्रकार जो बड़े बड़े खानदान के व्यक्ति हैं वो अपने बच्चों को इन सारे चीज़ों से बचा रहे हैं। अभी आज ही महाराज ने किसी महाराज ने सुनाया कि सरकार ही स्वयं अपनी तरफ से योजना ये बना रही है बच्चों के लिए इन इन चीज़ों से परहेज कराना ही होगा, क्योंकि यह व्यसन आगे जा कर के इनके लिए बहुत अभिशाप सिद्ध हो जाएंगे। नशा मुक्ति केंद्र, ड्रग्स होते हैं कुछ ऐसे चीज़ें, वो होते हैं गुटखा वगैरह, उसमें ऐसी ही चीज़ भरी हुई रहती है, कंठ रोग के लिए बहुत जल्दी जल्दी काम कर जाते हैं। बाद में आप कहेंगे इसको आप क्या करेंगे, बहुत दो दो तीन तीन बार भी ऑपरेशन से चिकित्सा होती है वो ठीक नहीं हो पाता। निरोगी काया नहीं रखोगे आप, कितनी भी कमाओ किसी प्रकार से उसका आप उपभोग नहीं कर सकोगे। खा पी तो दूर, उसको आप देख करके भी कुछ लाभ नहीं उठा सकोगे, ऐसा कार्य मत करो। लेकिन कोई भी किसी से बंधता है ही नहीं, अनेक प्रकार के इस प्रकार पाप बढ़ाते हुए काम हो रहा है। व्यसन मुक्ति पहले अपने जीवन में आती थी, आज हठात आप लोगों को करना पड़ेगा। उससे पहले अच्छा था जो शिक्षा में ही यह पहले रख देते, कहाँ शिक्षा में ही ये सब चीज़ें रख देते और आप स्वयं उससे परहेज करते। गर्भावस्था में जब तक शिशु रहता है तब तक माँ उसको पालन करने के लिए क्या क्या शोध करेगी, क्या क्या पथ्य के साथ भोजन पान रहन सहन करती थी, वो आज पूरा समाप्त प्राय हो गया। प्राय इसलिए लगा रहा हूँ, फिर भी ग्रामीण जीवन में इनका देखने दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाता, वो लोग किसी भी प्रकार से नहीं करते। जैसे खान पीन का उनको ज्ञान ही नहीं है, और पहले के लोगों को कब क्या खाना है, कोई उपवास करता है, तेला करता है, बेला करता है, अष्टानी कर लेता है, तो वहाँ पर क्या खाया जाता। तो आज तो भैया डॉक्टरों के पास जाओ, डॉक्टर के पास मत जाओ, वो कहते हैं ये वो काली ही ले लेना, इसको ही लेते जाओ, इन इन चीज़ों का सेवन नहीं करना, अपने आप ही ठीक हो जाएगी। और दूसरा कोई भी तेरा मेला कर लेता है और किसी के कहने से अनार का रस मुसम्बी का रस ले लो सब ठीक ठाक हो जाएगा, बस हो गया वो ले लिया तो किडनी के ऊपर प्रभाव पड़ गया,
ले जाओ काई में एम्बुलेंस में, बस भागते हुए चले गए। कुछ भी किया उसका कोई प्रभाव नहीं लाभ नहीं पड़ा और उसको ले जाओ अब किसी काम का नहीं, क्योंकि फेर हो चुका है। यंत्र है, इसको आप लोग नहीं समझते हैं। यंत्र में कोई कमी रह गई तो वह काम नहीं करेंगे। मंत्र में से कोई अक्षर निकल गया कोई काम नहीं करेगा वो भी। उसी प्रकार आपका जीवन है, सोच समझ करके अब से जीवन आपका जितना है ही, लेकिन होनहार बच्चों के ऊपर यदि आपको संतान है तो कर्तव्य होगा। जिससे हानि है उससे अभी से बचाना प्रारंभ कर दो। विष से हर एक व्यक्ति बच जाता है, ये विष है तो खाएगा। लेकिन ऐसे ऐसे चीज़ें आ रही हैं, नीचे खुल्ला वाले लिख रही हैं पॉइजन लिख रहा है, लेकिन फिर भी वह बहुत कम, बिल्कुल जैसे मक्खी के पैर होते हैं ना, उतने में वो लिखा जा रहा, पढ़ ही न सके। और ये सब पॉइजन होते हुए भी, विष होते हुए भी वह तंबाकू इत्यादि का सेवन किया जा रहा, धड़ल्ले से उसका व्यापार हो रहा, उपयोग हो रहा है। और सरकार कहती है हाँ टैक्स भरनाओ, टैक्स के मोह में सरकार आप सब लोगों के लिए पॉइजन बनने विष खाने में भी परवानगी अनुमति दे रही है। ये कैसी सरकार, आपसे वोट भी ले लिया, आप अब नोट भी लेना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कुछ दिया है नहीं, 5 साल में आपको आशीर्वाद दे दिया बस। खूब रहो उनकी सत्ता में और काम करते रहो। अब सरकार अपने तरफ से अहिंसक सरकार ही इस प्रकार सोच सकती है, और कोई दिल और किसी सरकार के पास ये दिल की बात नहीं आ पाई। इसको तो हम अवश्य सराहेंगे। ऐसे जो सरकार होती है वह संतान जो कल का वह नागरिक होने वाला है उसके बारे में आप यदि नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा बताओ। इसलिए सरकार सोच सोच करके आपको पाबंदी में रख रही है कि आपको करना ही होगा, इतने बच्चों को आपको इन चीज़ों से बचाना ही होगा। अब बचाओगे क्या नहीं, हाँ इसलिए कह दो सरकार से, संकेत दे दो, जैसे आपने कहा है उसके अनुसार ही हम अपने घर के बच्चों को कराएंगे, नहीं है तो बाद में पश्चाताप करोगे। सरकार ने बहुत देर के बाद यह नियम लागू किया, कोई बात नहीं, जब जागे तब। हाँ सरकार को तो पहले जागना चाहिए था, लेकिन सरकार की बात तो सरकार है, क्योंकि सरकार को बनाने वाली आप ही। जिस किसी को आप दोगे मतदान तो वो यही सही होगा। इस मतदान का महत्व अब समझो, अब यदि समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छा कल्याण होगा। हम इसलिए भारत के बारे में विशेष कह रहे हैं, यहाँ उद्धार के कुछ लक्षण मिलेंगे, विश्व में जा सकते हैं, अन्यथा विश्व ही अंधकार में डूब जाएगा। अब डूबने से पहले आप लोग अपनी दिशा को सोच लो, समझ लो, निर्णय कर लो और कदम उठाना प्रारंभ कर दो। जीवन का कोई भरोसा, राजा राणा हाँ, मरना सबको।
तुम्हारी तुम्हारी बात। अपनी अपनी बात, कोई ही नहीं बचेगा। इसलिए संतों ने हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। हम उस प्रतिकार उसका उस उपकार का प्रतिकार कर ही नहीं सकते। यही बात समझ में आ जाए तो भी बहुत बड़ा हमारा पुण्य है, समझ लो, और आगे के लिए कुछ प्रकाश अवश्य मिलेगा। अहिंसा परमो धर्म की।